जिले के पटेरा निवासी 60 वर्षीय कीरत राठौर यूरिन ब्लैडर में स्टोन पथरी होने से परेशान थे। गरीबी के चलते बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करा सकते थे। इसके साथ ही देसी दवाओं के चलते उनका वक्त गुजरता गया, लेकिन थैली में जमा पत्थर के टुकड़े अब एक बड़ा रूप ले लिए थे। और इस मामले की जानकारी आधारशिला संस्था के मिशन अस्पताल को पता चली, जहां कीरत राठौर को बहुत ही कम खर्च में पथरी का सफल इलाज कराया गया, जहां वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए के तिवारी ने ऑपरेशन किया। अब कीरत ठीक है, अच्छी तरह से चल फिर सकता है। गरीब कीरत राठौर की परेशानी और स्थिति देखकर मिशन अस्पताल प्रबंधन ने उसे कम से कम खर्च में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराईं और उसका सफल ऑपरेशन किया। डॉक्टर ए के तिवारी ने बताया कि देशी दवाओं की आड़ में झोलाछाप डॉक्टरों से बचें, साथ ही ओझाओं की झाड़फूंक से इस जान को खतरा बना रहता है। उन्होंने कीरत राठौर के इलाज के विषय में भी जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। एक गांव का मरीज था जो कि 60-65 साल का था। उसके पेट में दर्द था और पेशाब होने में दिक्कत होती थी उसको। जब एक्सरे कराया तो उसके ब्लैडर में बहुत बड़ा स्टोन था, तो उसकी सर्जरी की थी। तो सर्जरी करने के बाद वो रीनल फेल्योर में चला गया, उसका बीपी फॉल हो गया। 2 दिन तक वो आईसीयू में रहा, उसके बाद उसकी कंडीशन इम्प्रूव हुई और वो अब ठीक है। सर, कितना बड़ा पत्थर निकाला है? काफ़ी बड़ा था, पेशाब की थैली के हिसाब से बहुत बड़ा पत्थर था, जिसका वज़न करीब लगभग 250 ग्राम के था। किडनी फेल्योर होने के चांसेस थे अगर वो ये पथरी नहीं निकलवाता। और विगत 30-35 वर्षों से उसको समस्या थी और वो जड़ी बूटी खाकर गरीबी की वजह से अपना काम चला रहा था, लेकिन उसकी पीड़ा जब बढ़ गई तो वो अस्पताल में आया। सुना, ग्रामीण अंचलों में बाबाओं का बड़ा प्रकोप है, वो हड्डी से लेके हार्ट तक की दवाइयाँ दे देते हैं, पथरी की दवाइयाँ दे देते हैं, जिससे मरीज जो है वो अपनी बीमारी को पालता रहता है। और जब बीमारी गंभीर हो जाती है तो वो अस्पताल के चक्कर में आता है, वो अस्पताल तब पहुंच पाता है, वो नहीं तो इन्हीं के चक्करों में पड़ा रहता है। तो ये मिशन अस्पताल में इसका संभव हो पाया है इलाज? हाँ, यहाँ पर आया तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, तो उन सुविधाओं का उपयोग करते हुए उसका सफल ऑपरेशन हुआ और अब वो सकुशल है, ठीक है। हमने हजारों जगह दिखा लिया, सागर, दमोह, जबलपुर, नागपुर, सब जगह दिखा रहा हूँ। देसी दवाइयाँ भी खाई? देसी दवाइयाँ तो हजारों जगह भी बोलते थे कि निकल गई और बाद में देखा तो वो बढ़ती गई। अरे कब, कछु 2-3 महीना बाद हमने देखभाल तो कहीं नहीं है। हाँ। दर्द भाव जब देखभाल कही जाए तो बड़ी हो गई। अच्छा, ऐसे ही होता रहो। कितने साल से परेशान हो? 30-35 साल से हम तो परेशान। फिर यहाँ का पता मिला हुआ? करे थे आप एक्सरे खराब, फिर देखो आप डॉक्टर से कर ले ऑपरेशन, मुझे आराम से अब करवा लो ऑपरेशन। नहीं जे लोग कर लो, अब करना बिना ऑपरेशन के नहीं होंगे अब कुछ। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। अब ऐसे लोगों धन्यवाद दो, चाह कर बचा लो। और कहा अस्पताल वालों ने अच्छा सहयोग दो, भाईचारों से डॉक्टरों से सबने, नर्सों वगैरह सबने सहयोग दो, अच्छे बढ़िया सहयोग दो, उन व्यवस्था रखी उनने, पल पल में देखत रहे, दवाई देते रहे, जित तुमको करत को आप तो भी करत रहे। अब राहत मिली?